अली खान, मैं अमरजोत सिंह बोल रहा हूँ एडमंटन से, और आप मेरे साथ जुड़े हुए हो। बताएं आप कौन से शहर में हैं? मैं पाकिस्तान जंग से हूँ। पाकिस्तान से हैं और जंग से हैं, और आप मेरे को आपने कांटेक्ट किया है, क्या प्रॉब्लम है? थोड़ा सा एक लाइन में बताएं किस प्रॉब्लम को लेके आपने मेरे से कांटेक्ट किया है। जी, मैं स्टडी वीज़े के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ कनाडा के लिए, और मैंने पहले एक बार यूएसए के लिए अप्लाई किया है, तो उसमें मेरे $700 मतलब इन लॉस्ट हुए हैं। तो वो डेमी नाम का एक शख्स था जिसने मैंने पहले। धीरे धीरे बात करते हैं यार, थोड़ा से बहुत सारे इश्यू इकट्ठे हो जाएंगे। आप स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट वीजा जाने के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं कनाडा में, पहले अमेरिका में आप कर चुके हैं, और किसी का नाम बता रहे हैं, मेरे को उनका नाम नहीं पता। अमेरिका में आपके $700 खर्च हो गए हैं, उसके बारे में बताएं कैसे डॉलर खर्च हो गए। जी, एक स्कैमर था फेसबुक, डेमी नाम का एक शख्स था जिसने मुझे बताया कि मैं आपको स्पॉन्सर करता हूँ, यूनिवर्सिटी का हूँ, चांसलर हुई ये हूँ। तो पहले उसने कहा कि $100 की ना मतलब कि फीस है, तो मैंने भाई हंड्रेड साहब, डॉलर भाई दिए साहब, उसने भाई कहा। साहब, थोड़ा सा जरा हमें बिल्कुल थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। पहली बात तो यह है कि कोई आदमी आपको फेसबुक पे बता रहा है कि वो यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर है या क्या है जी, वो? डेमी नाम था उसका। अरे नाम नाम तो कुछ भी हो सकता है। और पहली बात तो ये सोचो, आप पढ़े लिखे हो कि यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर ही फेसबुक पे आकर लोगों को बता रहा है कि मैं वीसी हूं और मेरे पास आके एडमिशन लो, ये आपने मान कैसे लिया? जी, उसने अपनी एड दी हुई थी कि मतलब कि ना यार मैं, आपने भी बात कर दी। अली अली नाम, अली नाम है ना, अली खान, जी, अली खान, आपने भी यार खान का नाम को आपने नीचे कर दिया। यार खान तो राजा होते हैं, खान तो वो शाहरुख खान सुनते हैं हम, और सलमान खान। वाइस चांसलर एक यूनिवर्सिटी का, वो भी अमेरिका में, ऑलरेडी फेसबुक पे अपना एड डाल के बैठा है कि मेरे पास आओ, मैं एडमिशन दूंगा, फलाना करूंगा। इट इज नॉट पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल हो गया? और आपने एतबार भी कर लिया। चलो बहरहाल, कंपनी उसकी झूठी होगी, वाइस चांसलर झूठा, वो सब झूठे होंगे। आपने स्टूडेंट वीजा डाला अमेरिकन एम्बेसी में, आपको इंटरव्यू आया? नहीं, स्टूडेंट वीजा डाला ही नहीं था ना। अच्छा, डाला ही नहीं है, वो वहीं से वो हाँ, खत्म उसने हो गया, उन्होंने तो ये बोला, पहले ही उन्होंने स्कैम खत्म हो गया वहां पर। स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। पहले उन्होंने बोला कि $100 वेस्टर्न यूनियन के जरिए मेरी तरफ ना सेंड करो, ओहो, हंड्रेड पाकिस्तान, डॉलर सेंड किए। उन्होंने पाकिस्तान, मुझे ना एक पेपर सेंड किया, हाँ, ओके ओके, और आज से तकरीबन ये 1 ईयर पहले की बात है। सर जी, ये सब बहुत, फेसबुक में बहुत सारे फ्रॉडस्टर घूम रहे हैं कि जॉब के लिए करें, फलाना करें, कुछ नहीं है। तो छोड़े वो साफ बात को, अब जो हो गया हो गया, वो खत्म हो गया। उस बात मैं आप क्या बात करूंगा, ना मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ, वो जो चीज खत्म हो गई, खत्म हो गई। $700 में जान बच गई, आपको हो सकता कि ज्यादा ना चले गए, तो वो खत्म करें। अभी आपको क्या है, कनाडा में क्या है, क्या सोच रहे हैं आप? जी, मैं कनाडा के लिए स्टडी वीजे के लिए या फिर वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ कनाडा। पहली बात तो यह है कि वर्क परमिट मेरे पास है नहीं, मेरे पास जॉब आपके लिए नहीं है, किसी के लिए नहीं है, तो वर्क परमिट की बात करने का कोई फायदा नहीं है। आप करते क्या हो, पढ़ाई क्या करते हो यहाँ पर कनाडा में? ओ सॉरी, पाकिस्तान में जी, मैं ACCA कर रहा हूँ, वो क्या होता है? एसोसिएट सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। आपने एफए कर रखी है? जी ग्रेड 12, 12वीं, 12? जी मैंने इंटरमीडिएट, सॉरी, ग्रेड 10th किया। उसके बाद फिर मैंने GED डिप्लोमा किया, जनरल एजुकेशन डिप्लोमा, अमेरिका की तरफ से, कोलंबिया स्टेट की तरफ से, USA की। उसके कैसे बाद बैठे अब मैं बैठे, इस कैसे कैसे कर लिया, बैठे बैठे वहीं से कॉरेस्पॉन्डेंस से कर लिया, कैसे अमेरिका गए थे करने? इंटरनेशनल डिप्लोमा होता है 4 मंथ का, इधर पाकिस्तान में करवाते हैं पाकिस्तान में करवाते हैं, IBCC। वहां बैठे थे। अच्छा, उसके बाद जीडी डिप्लोमा के बाद आपने जो, मेरे को थोड़ा सा पता नहीं इसके बारे में, जो आपने फिर बीकॉम वगैरह किया कि नहीं, बैचलर ऑफ कॉमर्स डिग्री करी? नहीं, GED के बाद स्टार्ट किया, इसके पहले होता है ACCA के फाउंडेशन डिप्लोमा। आपके पास बैचलर्स डिग्री है, यस और नो? नो, नो है। तो जो अभी आप ये कर रहे हो उससे आपको क्या मिलेगा, डिप्लोमा मिलेगा? इंटरमीडिएट हाई स्कूल, USA के हाई स्कूल का एक डिप्लोमा मिला, कोलंबिया यूएसए का हाई स्टेट स्कूल का यूनिवर्सिटी। डिप्लोमा मिले? नहीं, अभी जो आप पढ़ाई कर रहे हो, अभी इसके बाद क्या मिलने वाला है आपको? ये मास्टर्स ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की मिलेगी, सर्टिफिकेट मिलेगा MS अकाउंटिंग, लेकिन अभी ये कंप्लीट नहीं हुई। एमएस अकाउंटिंग मिल जाएगी आपको, वाह।
आप यार बैठे बैठे पाकिस्तान में बैठे बैठे कर रहे हो अमेरिका की डिग्री, वहां के डिप्लोमा, इधर यूके का, निशाना निशाना बाहर के ही है आपका कि बाहर की डिग्री डिप्लोमा है। तो अभी जी आप कनाडा में इतनी है। इतनी पढ़ाई कर रहे हो तो कनाडा जाके पढ़ाई करने की क्या जरूरत है, यहीं से आपको अमेरिका का वो जो मिलना है मिल जाएगा, लंदन का मिल जाएगा, नहीं, वहां सेटलमेंट भी होना है कनाडा में। सेटलमेंट भी होना है। तो भाई अब बताओ कैसे सेटलमेंट होगा। पहले तो आपको, अगर आपको यहाँ की पढ़ाई पसंद नहीं आ रही है तो कनाडा में एडमिशन लो पहले आप, कोई अकाउंटेंसी प्रोग्राम या जो भी अकाउंट प्रोग्राम आपको पसंद है उसमें आप एडमिशन लो पहले। यूनिवर्सिटी का देखो पहले गूगल पे जाके कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में आपको पसंद है, वहां पर अप्लाई करो ऑनलाइन, और किसी एजेंट को पैसा देने की जरूरत तो है नहीं, अप्लाई करें और जाके फिर एडमिशन स्टूडेंट वीजा अप्लाई करें। क्या ठीक है, मसला है, मसला क्या है? तो इसके लिए पहले वो बता रहे थे कि दूसरा ना 6.5 बैंड, अब बता रहे हैं कि 7 बैंड। ये डिफरेंट होते एजेंट्स होते हैं या खुद अप्लाई करें तो ये स्टेप बाय सर जी स्टेप, इसका अपने फीस का क्या आप प्रोसेस है? यूनिवर्सिटी से पूछे, आप एजेंटों से क्यों पूछ रहे हैं? ठीक है, आप यूनिवर्सिटी, जिस भी यूनिवर्सिटी में आपको जाना है उसकी यूनिवर्सिटी में वेबसाइट पे जाएं, वहां पर लिखा होगा कि कितना आपको चाहिए। आपको एजेंटों को और कंसल्टेंट्स को और ब्रोकर दलालों के पास क्यों जा रहे हैं आप? ठीक है। पहली बात तो यह है कि यूनिवर्सिटी से डायरेक्टली पूछें, वो आपको ये भी बताएंगे कि आपको कितने परसेंटेज मार्क्स चाहिए क्वालिफाई करने के लिए, आपको कितना इंग्लिश का लेवल चाहिए, आपको कितना पैसा उनकी फीस लगनी है वो भी बताएंगे। तो ये जब तीनों चीज आपके पास इकट्ठी हो जाएंगी तब आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश का तो हाई जितना पॉसिबल है आपको चाहिए चाहिए, वो तो आप जी मान के चले कि इंग्लिश का टेस्ट को आपको अच्छा लाना ही पड़ेगा, जी और पैसा भी शो करना पड़ेगा, पैसा भी। अगर आप अकेले आ रहे हैं, आप मैरिड हैं सिंगल? सिंगल सिंगल। है, तो आप सोचे कम से कम आपको साल की और लिविंग एक्सपेंस मिला के कम से कम 25-30 हज़ार डॉलर कैनेडियन डॉलर्स का इंतजाम होना चाहिए आपके बैंक अकाउंट में। ठीक इतना पैसा कहाँ से आएगा? जी, वो कर लेंगे, बिजनेस है। कर लेंगे, बिजनेस है, ठीक है ठीक है, अच्छी बात है। तो ये तीनों को रिक्वायरमेंट करें, एक तो पैसे की, दूसरा इंग्लिश की, और तीसरा एडमिशन चाहिए चाहिए आपको। और उसके बाद आप अपना स्टूडेंट वीजा अप्लाई करें, एजेंटों से ना करवाएं भाई, क्योंकि ऐसा ना हो कि कोई और, कोई फेसबुक पे स्कैमर कोई और आपको मिल जाए कि बोले कि इतने पैसे दो मैं आपको वीजा दिलवा देता हूँ, कहीं और लेने के देने पड़ जाए। और बताएं। ठीक सर, मेरे अंकल हैं वो कनाडा के इमिग्रेशन सॉरी विजिटर वीजा अप्लाई करना चाहते हैं, तो उन्होंने पहले एक बार दुबई से अप्लाई किया है, फिर तो उनका उनका रिजेक्ट हुआ है। ट्रैवल हिस्ट्री का तकरीबन 20 ईयर्स से वो दुबई में वर्क कर रहे हैं। वो तो जब अंकल जी सामने आएंगे तभी बात हो पाएगी उनकी, क्या सिचुएशन है, क्या जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्या करने हैं, क्या उनका मकसद है, तभी मान लो। अंकल जी कहाँ है अभी? वो यूएई में यूएई में। तो जब यूएई से बात उनसे होगी तब उनकी बात अलग से उनसे देखेंगे क्या हो सकता है, क्योंकि हर एक की, जैसे एक हर एक मरीज की एक नब्ज अलग से देखी जाती है, वैसे ही हर एक इमिग्रेशन क्लाइंट की एक अलग हिस्ट्री है, अलग उसकी सर्कमस्टांसेस है, अलग उसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक और बताएं और हुक्म मेरे लिए। है, और बस सर, थैंक यू। अभी आप बाहर पैसा ऐसा ना भेजें किसी को, किसी को दलालों को, क्योंकि पैसा पाकिस्तान में चाहिए हमें, हमें वो डैम बनाना है, जी, ठीक है ना, हमें पैसे की बहुत जरूरत है। ऐसा नहीं कि आप 600-700 डॉलर कहीं और भेज दें तो वो उतना जितना पाकिस्तान में काम आने वाला था डैम बनाने के, वो बाहर कोई और एजेंट ले जाए। और वो जो भी एजेंट का नाम आपने बताया, जो भी उसका नाम है, क्या बताया, मैगी, क्या डैमी। डैमी, मैं मैगी बोला, डैमी, वो डैमी हो सकता है कि आदमी कहीं बैठा हो अफ्रीका में या कहीं और कहीं बैठा हो किसी कंट्री में, या साइबर हो सकता है पाकिस्तान में कहीं बैठा हो साइबर कैफे में, अपना जी नाम सर, बदल के, आईडी बदल के, उसको कहा के उसने वीजा बना के पास वीडियो कॉल पे शो भी किया, दिखाया भी। वाह कमाल की वो बात है यार, वीजा बना के भी शो भी कर दिया, आपको भी तसल्ली दिला दी कि वीडियो ऐसा वीजा आपको मिल जाएगा। कॉल पे दिखाया भी कि ये आपका वीजा है, बाकी पैसे सेंड करो, आपको वीजा हम सेंड करते हैं। उन्हें पता है भाई साहब, उन्हें पता है कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, कोई भी कंट्री है, ये सब कंट्रियों में वीजे की इतनी भूख है कि चाहे रोटी मिले ना मिले लेकिन वीजा मिलना चाहिए। तो उन्होंने ऐसे आपको एक, इसको हम कहते हैं कि एक सबज बाग जमात, जानते हैं आप, एक दिखा दिया दूर से कि भी ऐसा चमकता हुआ वीजा है और ऐसा आपको मिल जाएगा। आपके भी मन में था कि हाय मेरे हाथ में आ ही जाए वीजा जल्दी से, तो आपने भी उसको बिना सोचे समझे उसको पैसे ट्रांसफर कर दिए। बात सोचने की यह है कि उसने घर पे बैठे बैठे वीजा बना लिया, कहीं से कॉपी करके कहीं का नाम लिख दिया, कहीं का डिजाइन बना दिया, आजकल गूगल पे सब कुछ है, एक इमेज, इमेज ही बनानी है,
और उसको देख के, जैसे आपको बोला तो पता नहीं कितनों को लुभा रहा होगा वो आगे सर, कभी उसका डैम। मुझे, सर उसका मुझे पता है, उस टाइम लगा था जब एक पाकिस्तान का एक लड़का था, तो उसको उसने मेरा वीजा सेंड किया, तो उसके ऊपर मेरा कांटेक्ट नंबर लिखा हुआ था वीजे के ऊपर, तो उस लड़के ने जो कांटेक्ट, उससे मुझे कॉल किया, कॉल करके मुझे बताया कि आपको ये आपका वीजा है तो आपका नंबर ऊपर है, तो फिर उसने मुझे बताया कि ये फ्रॉड है, तो आप मतलब कि ना और पैसे इसको सेंड ना करें अच्छी बात है, वहीं रुक गया। तब तक आप पैसे भेज चुके थे? जी। नहीं अभी तो वो और भी कह रहा था कि $300 मुझे और सेंड करो, उसके बाद आपको वीजा मिलेगा पाकिस्तान। तो पैसे पैसे भेजे कैसे आपने? कोई बैंक अकाउंट में डाले या किसी को कहीं वेस्ट यूनियन से कैसे भेजे? यूनियन हाँ? कैसे वेस्टर्न भेजे? यूनियन वेस्टर्न वेस्टर्न यूनियन से? वेस्टर्न यूनियन से तो इतना वो है आजकल, तो पता नहीं ये वेस्टर्न यूनियन वाले भी वो ट्रैकिंग करते हैं कि कौन है, क्योंकि अगर कोई पैसे भेजता है तो जो पैसे निकालता है उसकी आईडी वगैरह वो नोट करते हैं, एड्रेस वगैरह करते हैं। आजकल तो पता नहीं पहले करते थे या नहीं करते थे, क्योंकि वेस्टर्न यूनियन भी आप आजकल थोड़ा सा होशियार हो गया है कि कौन कहाँ से पैसे भेजा, क्योंकि वो वेस्टर्न यूनियन पे एक नंबर ही होता है। जैसे आपने मेरे को नंबर दिया, मैंने किसी को नंबर दिया, नंबर के बेस पे कोई भी पैसे निकाल ले, तो इसलिए थोड़ा सा बहुत मुश्किल है ट्रैकिंग करना। लेकिन आई एम श्योर कंपनी को पता होगा, करते होंगे कुछ ना कुछ, लेकिन अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो भेजने वाली की है किसको भेज रहे हैं, कैसे भेज रहे हैं। और जो आदमी खुद ही वाइस चांसलर बन के बैठा है फेसबुक पे, उसको क्या यूनिवर्सिटी होगी, क्या पढ़ाई कराएंगे वो? जी। कभी कभी आपने सुना है बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं, स्टैनफोर्ड है, हार्वर्ड है, शिकागो है, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी है, उनके खुद ही वाइस चांसलर बैठे फेसबुक पे कह रहे हैं कि आ जाओ वीजा ले लो जी, आ जाओ एडमिशन ले लो। कभी आपने सुना है? अरे आप छोड़ नहीं दो, वहां की भी छोड़ दो, पाकिस्तान की जो बड़ी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? पंजाब यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी का जो वाइस चांसलर है वो फेसबुक पे आपको कहीं कहता है कि आ जाओ बच्चों जी एडमिशन मैं कराऊंगा जी, एडमिशन मैं दिलाता हूँ? वाइस चांसलर कभी कहता है? एडमिशन नहीं कराने का स्टाफ अलग है, उसका महकमा अलग है, उसके प्रोसीजर अलग है, वो अलग होते हैं। वाइस चांसलर थोड़ी खुद बोलता है कि आके एडमिशन मैं दे रहा हूँ आपको। जी, उनका प्रोसीजर ही और है। फिर जब आपने इतनी बड़ी बात को नहीं पकड़ पाए आपको यार, तो फिर आप, मेरे को लग रहा है कोई आपको और किसी चक्कर में फंसाने वाला है। उन्होंने लाइसेंस भी सेंड किया अपना कि ये मेरा लाइसेंस है ये सर। सब सब नकली, आजकल सब दुनिया में सब नकल चल रहा है, और उसने अपने अकल का इस्तेमाल करके बेवकूफ बनाया आपको, आपके हाथों वो चले गए। चलो इतना ही है कि और ज्यादा ना गए, नहीं तो और भी ज्यादा नुकसान हो सकता था। तो सर इसका नेक्स्ट प्रोसीजर ये है कि मतलब कि मुझे आइट्स करना पड़ेगा 6.5 के साथ, तो सर बिना गेट। मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर लूं, आप कागज पेन से लगा लेके सुन लो, ध्यान कर लो, लिख लो, नोट कर लो, आपके जिंदगी में काम आएगा। तीन ठीक है चीजें चाहिए हैं कनाडा में स्टडी वीजा के लिए। एक तो आपको इंग्लिश तो चाहिए ही चाहिए, इंग्लिश के बगैर मैं कई बार कह चुका हूं कि पत्ता नहीं हिल सकता स्टडी वीजा के लिए, तो आई मीन और भी वीजा के लिए भी इंग्लिश तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है इंग्लिश के टेस्ट में आप जितनी हाई से हाई मार्क्स ला सकते हो, जितनी आपके हाथ में दम है, जितना आपके दिमाग में दम है, उतना आप पढ़ाई करके तैयारी करके आप इंग्लिश का लेकर आओ, पहली बात तो ये है। ठीक है दूसरी बात यह है कि आपको पैसा चाहिए, आपको पैसा चाहिए ही पड़ेगा स्टडी वीजा, चाहे अमेरिका के लिए अप्लाई करो, चाहे कनाडा के लिए अप्लाई करो, कहीं के लिए अप्लाई करो, आपको बैंक स्टेटमेंट में कनाडा के लिए कम से कम आपको, आप समझे, 25 से 30 हजार डॉलर आपको एक टोटल आपको एक लिक्विड फंड्स चाहिए ही चाहिए भाई। दूसरी ठीक है रिक्वायरमेंट, तीसरी रिक्वायरमेंट, फिर आपको एडमिशन ऑफर चाहिए किसी यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से कनाडा में, जो भी आपका मनपसंद कोर्स है उसमें आप अप्लाई करें। एडमिशन अप्लाई करने के लिए जैसे आपने मेरे को तलाश किया है, वैसे ही आप यूनिवर्सिटीज की एक लिस्ट देख लें, गूगल पे आ जाएगी, उसमें देखें कौन कौन से कोर्सेज देते हैं, और अगर मसलन के उस यूनिवर्सिटी को जो आपने पसंद किया उसमें अकाउंटेंसी वाला कोर्स आपके लिए है, तो वहीं जाके ऑनलाइन अप्लाई करें। ऑनलाइन क्लिक 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 करके वो कहेंगे फिल इन हियर लाना, तो वहां से करें। एजेंट को पैसे देने की जरूरत नहीं है, अगर आपको फेंकने के पैसे तो दे दो, लेकिन मैं समझता हूं कि आप जैसे लोगों को एजेंटों के पास जाने से नुकसान ज्यादा होगा। आप अपना अप्लाई ऑनलाइन डायरेक्ट यूनिवर्सिटी पे करें, बस ये 3 स्टेप हैं, उसके बाद आपको एडमिशन लेटर आएगा, तब तो आप जाके कनाडा वीजा फॉर्म भरेंगे। सर, कनाडा का स्टडी वीजा 2 टाइप्स में, एक जनरल में है, एक दूसरा मतलब के है जो उन्होंने नया निकाला एसटीएस प्रोग्राम, स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम। सर जी उस बारे में आप अभी इस वक्त बात करना मुनासिब नहीं है, इसको इसको आप छोड़ दो, आप 2 टायर एसडीएस स्कीम या जनरल स्कीम, उसके बारे में अभी आप उस लेवल पे मतलब बात करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो उनके लिए है जिनके पास
जो पूरी फीस जमा कर रहे हैं, इंग्लिश बड़ी हाई है, उन लोगों के लिए है। अभी तो आपके पास अभी कोई स्टार्टिंग पॉइंट है ही नहीं है, जी ठीक है ना। तो आप उस वो एक तरीका है अप्लाई करने का, वो आपकी जो रिक्वायरमेंट में वो नहीं है कि भाई मैं उस पे जाऊं कि इसमें जाऊं। आप पहले अपने जो जो रिक्वायरमेंट है, जो तीन चीजें मैंने बताई हैं, उसको पैसे हासिल करें, उसको पहले हाथ में वो तैयार होना चाहिए वो, उसके बाद फिर देखें एसडीएस में आपकी फाइल लगेगी किसमें लगेगी। एसडीएस फाइल का आपको किसने बता दिया? सर, मैंने ना सॉरी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी को अपनी मेल किया था कि दूसरा मेरा जीडी डिप्लोमा क्लियर है कोलंबिया स्टेट की तरफ से, मतलब इंटरनेशनल डिप्लोमा है वो हाई स्कूल की इक्विवेलेंस। तो पाकिस्तान में भी वो इंटरमीडिएट आईबीसीसी बोर्ड से, मतलब कि मैंने इक्विवेलेंसी करवाई है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आपको आर्ट्स की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने मैंने आपसे सिर्फ इतना पूछा है कि आपको एसडीएस स्कीम के बारे में किसने बताया? यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी ने? हाँ, सर नहीं सर, मैंने सर्च किया। आप सर्च जैसे कर रहे हैं ना, गूगल पे सर्च कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, आधी से ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपके लिए वो रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि एसडीएस सिर्फ उनके लिए है जो उसकी तीन चार रिक्वायरमेंट है एसडीएस की, जो पूरी पूरी ट्यूशन जो फीस है वो पहले साल की वो टोटल ट्रांसफर कर रहे हैं पहली बार, जी ठीक है। एक तो रिक्वायरमेंट उस एसडीएस की उसकी है, दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि आपके जो लिविंग एक्सपेंस है उसके लिए $10,000 का एक जीआईसी सर्टिफिकेट खरीदना पड़ता है और ट्रांसफर करने के लिए, वो उसकी रिक्वायरमेंट है। और तीसरी रिक्वायरमेंट उसकी ये भी है कि मेडिकल भी पहले आपको कराओगे, और चौथी रिक्वायरमेंट भी है कि आपके पास इंग्लिश का वो होना चाहिए, लेवल होना चाहिए जो मिनिमम 6 होना चाहिए। तो ये चार रिक्वायरमेंट अगर कोई पूरी करता है तब जाके वो एसडीएस का फायदा ले जाएगा। और एसडीएस मेरे को लगता है, आई मे बी रॉन्ग, पाकिस्तान के लिए नहीं है इस वक्त, चाइना, इंडिया, वियतनाम और फिलीपींस के लिए ही है ठीक है मेरे को लगता है, अनलेस आई मे बी रॉन्ग, बिकॉज ये प्रोग्राम मेरे ख्याल है कि जून में स्टार्ट किया था, जो हमारे इमिग्रेशन मिनिस्टर थे उन्होंने अनाउंसमेंट किया, और ये अभी तक चार कंट्री के लिए है और कंट्रीज के लिए नहीं है इस वक्त। तो आप ये अगर हो भी जाए तो आपके पास ये चारों रिक्वायरमेंट शायद पूरी ना हो। पहले तो आपको पूरी पूरी फीस ट्रांसफर करनी है, फिर $10,000 का इन्वेस्टमेंट करना है, फिर आपको इंग्लिश का स्कोर चाहिए मिनिमम 6, तब जाके एसडीएस का जो एक जो जो वर्ड है जो वो जहन में आना चाहिए कि एसडीएस क्या चीज है भाई। तो वैसे भी पाकिस्तान के लिए तो है ही नहीं, पाकिस्तान पासपोर्ट होल्डर्स के लिए वो नहीं है। तो इसलिए आप इन सब बातों को छोड़ के जो मैंने आपको बताया, जो तीन चीजें बताई हैं, उस पे आप गौर फरमाएं भाई, उसको आप थोड़ा पकड़ें, उसको आप दुरुस्त करें। ठीक है और बताएं मेरे लिए कोई हुक्म, कोई और कोई सेवा, मेरी इंफॉर्मेशन में कोई कमी या कोई और कोई बात, कोई बताएं। सर, आपका थैंक्स। कुछ भी नहीं, चलो, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग, और आपके लिए मैं बेस्ट ऑफ लक मैं आपको कहता हूँ, और इंशाल्लाह आपका आपका जो काम जल्दी होगा। ठीक है सर, थैंक यू।